नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैस सेक्शन यूट्यूब चैनल में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2022 को डिजिटल रुपीस पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और आरबीआई को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम आरबीआई के तौर पे भी जानते हैं। और ये आरबीआई जो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सेंट्रल बैंक है और ये रिजर्व बैंक ने अभी सीबीडीसी के अंतर्गत यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अंतर्गत डिजिटल रुपी लॉन्च कर दी है। तो हम इसे विस्तार से देखेंगे, इसे इसकी की पॉइंट्स देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आरबीआई का डिजिटल रुपया ई रुपया जो होता है लॉन्च हो गया है। आरबीआई डिजिटल करेंसी क्या है हम इसे देख लेते हैं। एक्चुअली भारत में रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अभी होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल रुपया ई रुपीस जारी किया है। यह फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहां से साफ प्रतीत होता है कि ये पायलट बेस पे चालू किया गया है और होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए अभी पायलट बेस पे यूज किया जाएगा। अभी सवाल यह आता है कि डिजिटल इंडिया करेंसी क्या है, यानी इंडिया की डिजिटल करेंसी क्या है। तो देखिए, ई रूपी को आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, डिजिटल रुपया को सर्कुलेशन जो होगा वो पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होगा, यानी पूरा कंट्रोल आरबीआई का होगा। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत में कमी आएगी। तो ये डिजिटल करेंसी होती है दोस्तों, भारत ने 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने इसे लॉन्च कर दिया है। अब ये बात आती है कि डिजिटल करेंसी का क्या मतलब है। तो देखिए, डिजिटल रुपए वास्तव में ब्लॉकचेन सहित अन्य टेक्नोलॉजी, यानी क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है, आधारित करेंसी होती है। डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है, एक होती है रिटेल और एक होती है होलसेल। होलसेल करेंसी का इस्तेमाल जहां वित्तीय संस्थाएं करती है, वही रिटेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम लोग और कंपनियां करती है। हम रिटेल कैटेगरी में आते हैं, जो आम लोग होते हैं आप मैं, वही रिटेल कैटेगरी में आएंगे और होलसेल वहां वित्तीय संस्थाएं वर्क करेंगी या उसका यूज करेंगी। अब हम ये जान लेते हैं कि डिजिटल करेंसी के क्या फायदे हैं। तो देखिए दोस्तों, डिजिटल करेंसी के बहुत सारे फायदे हैं और यहाँ पे हम पहला फायदा देख लेते हैं। हमारा पहला फायदा है फास्टर पेमेंट और दूसरा हमारा फायदा है चीपर इंटरनेशनल ट्रांसफर और 24x7 एक्सेस होगा, मोर इफिशियंट होगी गवर्नमेंट पेमेंट्स के लिए। ये चार मेजर पॉइंट्स मैंने जो इसके बेनिफिट्स है ये यहाँ पे निकाले हैं। तो हम चलिए आगे चलते हैं और इसके एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एमपीएससी यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाउन कर लीजिए इस वीडियो को और एक बात ध्यान दीजिए कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपकी इसकी पीपीटी भी चाहिए तो मैं पीपीटी भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। भारत सरकार ने एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल रुपया लाने की घोषणा की थी। उसके बाद में 30 मार्च 2022 को सीबीडीसी जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधनों को सरकार ने राजपत्र सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया। अब बाद में 1 नवंबर 2022 को होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया। तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आप हो सके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये पायलट प्रोजेक्ट पे चालू किया है। अब पायलट प्रोजेक्ट क्यों, क्योंकि इसे इस टेस्टिंग से सरकारी सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट लेन देन का निपटान किया जाएगा। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी लाने की अपनी योजना की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए डिजिटल रुपयों को पायलट प्रोजेक्ट टेस्टिंग शुरू किया है और ये फैसला भारतीय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अब आरबीआई ने केंद्रीय बैंक यानी सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मुद्रा के बारे में एक रिपोर्ट में कहा था कि डिजिटल मुद्रा लाने का मकसद हमारा मुद्रा के मौजूदा स्वरूप को पूरक तैयार करना है, यानी इससे यूजर्स को मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ अतिरिक्त भुगतान विकल्प मिल जाएंगे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट हमारे भारत में चालू हो गया है और सीबीडीसी के अंतर्गत ये पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्क करेगा। सीबीडीसी का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब सवाल ये आती है कि पायलट जो हमारा प्रोजेक्ट होगा इसमें कौन से बैंक शामिल होंगे। होलसेल, अभी के लिए होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए इसमें डिजिटल करेंसी के लिए इसमें 9 बैंक शामिल है।
एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HSBC बैंक। ये नौ बैंक शामिल है, ये नौ बैंक शामिल है CBDC के अंतर्गत ये वर्क करेंगी और ये भारत की पहली डिजिटल करेंसी होंगी, आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाली है। और एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो अभी आपके सामने दो विंडोज आई है, ये विंडोज किस ट्रांजेक्शन को डिनोट करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।